दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ और मेरे चैनल का नाम है जी आई जे रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वीवो Y55s के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है और जनवरी के महीने में दोस्तों ये डिवाइस पाकिस्तान के मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है। लेकिन दोस्तों ये डिवाइस सबसे पहले इंडिया की मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है दिसंबर के महीने, मीन्स के इस मंथ, ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए ना इस डिवाइस की, ये डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशंस नॉर्मल दी गई हैं, इतनी ज़्यादा हाई एंड लेवल की ना यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशंस नहीं प्रोवाइड की गई। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट किए, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वीवो Y55s की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करती है वीवो Y55s का जो बैक का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया और शाइनी लुक भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो कैमरा डिज़ाइन दिया गया ना भाई, यहाँ पे कैमरा डिज़ाइन को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया। दोस्तों अगर बात करें ना स्मार्टफोन का जो फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन है, वो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। लाइक दोस्तों वीवो वालों ने कसम खा रखी है कि हमने अपने डिज़ाइन को चेंज नहीं करना। यहाँ पे दोस्तों वही पुराना वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा एक डिस्प्ले डिज़ाइन पुराना हो चुका है। और इनको चाहिए यार, ये इस दफ़ा ना इनको चेंज करना चाहिए अपना वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले डिजाइन प्रोवाइड कर देते, तो यार काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन में ना, आपको IPS का पैनल प्रोवाइड किया गया और यहाँ पे आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई और ना ही दोस्तों यहाँ पे आपको 60 हैशेस या 120 हैशेस का रिफ्रेश रेट नहीं प्रोवाइड किया गया। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ना आपको फुल HD की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है, मीन के 1080 एंड 2480 की दोस्तों यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। अगर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए ना, तो बस नॉर्मल यहाँ पे हमें डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ना आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो इनका अपना UI है, मींस के फ्रंट टच OS 12 प्रोवाइड किया गया है, जो वीवो का अपना UI है ना, मींस के ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा होता है और आपको दोस्तों यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है इनके UI में। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन में ना, आपको MediaTek Helio Dimensity 700 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है, जो एक 5G चिपसेट है, जो बेस करती है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें ना MediaTek Helio Dimensity 700 की, इसकी परफॉर्मेंस की, तरह इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादा देर तक आप दोस्तों इस डिवाइस पे गेम्स वगैरह को प्ले करोगे तो आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो सकता है। तो यार इस चीज़ से बचना, ये डिवाइस एक गेमिंग बेस्ड डिवाइस नहीं है। जो MediaTek Helio Dimensity 700 चिपसेट है ना, एक अच्छी चिपसेट है, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस माइनर देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो GPU प्रोवाइड किया गया ना, वो Mali G57 का GPU प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको EWMC 5.1 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है, जो बेसिकली दोस्तों मिड रेंज डिवाइसेस में हमें दी जाती है। और स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में ना आपको बैक पे 2 कैमरास की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, जिसमें से दोस्तों जो मेन कैमरा है ना, वो 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा दिया गया है, जो सेकेंडरी कैमरा दोस्तों वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। भाई वीवो के जो कैमराज होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और डू नॉट एस्टिमेट वीवो कैमराज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वीडियोज़ की क्वालिटी और पिक्चर्स वगैरह के कैप्चर करने की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी और डिटेल भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस स्मार्टफोन में अच्छी देखने को मिलेगी। इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा दोस्तों, वो 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जो फ्रंट सेल्फी कैमरा से दोस्तों जो वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो फुल HD और HD में दोस्तों वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि इस डिवाइस की जो प्राइस होने वाली है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 46,000 से लेकर 47,000 तक इस डिवाइस की प्राइस होगी, लेकिन इस डिवाइस के अंदर हमें दोस्तों 4K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई। अगर 4K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दे रहे तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती थी। और यार ये वीवो की तरफ से पहली दफ़ा हुआ है कि हमने इस डिवाइस में 6000mAh की बैटरी ये लोग दे रहे हैं। दोस्तों एंड पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये डिवाइस पाकिस्तान में अगर आती है तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस के साथ आएगी, और इस डिवाइस की दोस्तों जो प्राइस अगर पाकिस्तान में होती है ना, लाइक 35,000 या 37,000 या 40,000 तक भी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ना दोस्तों फिर भी ओवर है, ठीक है। इस डिवाइस की तकरीबन दोस्तों प्राइस होनी चाहिए 38,000 या 39,000 होनी चाहिए, काफ़ी है। बंदा स्पेसिफिकेशंस देके बहुत ज़्यादा खुश हो, उस लेवल की हमें इस डिवाइस में स्पेसिफिकेशंस नहीं प्रोवाइड की गई। और एंड पे यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़।